हेलो फ्रेंड्स, रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज में मैं दिवाकर भगत फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। अभी हमारा जो सीरीज चल रहा है वो सीरीज चल रहा है क्लास 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था, सबसे पहले डिस्कस किया था रेक्टेंगुलर सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एंड एक स्टैंडर्ड फॉर्म। आज हम रेस्ट के बचे हुए बाकी स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट स्लाइड। फर्स्ट स्लाइड है हमारा टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म में यहाँ पे हमें कंडीशन दिया रहेगा कि दो पॉइंट गिवन है और उस दो पॉइंट से पास करते हुए जो लाइन है उस लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो टू फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू टू गिवन पॉइंट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक्स और वाई एक्सिस हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करने के बाद ले लेते हैं यहाँ पे हम दो पॉइंट, एक पॉइंट ले लेते हैं पी और दूसरा पॉइंट ले लेते हैं क्यू। तो पी क्यू को ज्वाइन कर दिए यहाँ पे। तो ज्वाइन करने के बाद पी का कोऑर्डिनेट ले लिया हम लोगों ने एक्स वन वाई वन, एंड क्यू का कोऑर्डिनेट ले लिया एक्स टू वाई टू, एक्स टू वाई टू। सपोज मान लेते हैं कि एक पॉइंट आर है जो कि इस पॉइंट पे है, जिसकी कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है। तो हमें पी कोऑर्डिनेट में पी क्यू और आर के कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन निकालना है। जब हम ये रिलेशन निकाल लेंगे तो जो डिजायर्ड इक्वेशन आएगा वो हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, जो कि दो पॉइंट, दो गिवन पॉइंट से पास करेगा। तो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो कोऑर्डिनेट्स है एक्स वन डज नॉट इक्वल टू एक्स टू पहला, और वाई वन डज नॉट इक्वल टू वाई टू, जो गिवन कोऑर्डिनेट्स है। ये कोऑर्डिनेट्स इक्वल्स नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे देखते हैं। जब एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू हो जाएगा तो दोनों कोऑर्डिनेट, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जब एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल हो जाएंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया। सिमिलरली y1, if y1 is equal to y2, then the equation which we find is equal, is parallel to y-axis. ये भी इक्वेशन हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया। तो ये दो कंडीशन पहले फुलफिल होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता जो, तो इक्वेशन जो आएगा, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो जो इक्वेशन आएगा वो हमारा पैरेलल टू या तो x एक्सिस होगा या तो y एक्सिस होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पे ये हमने एज्यूम किया है कि जो r है PQ पे लाई कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि जो पी आर है और क्यू, पी आर आर क्यू और पी क्यू, ये तीनों जो पोर्शन है सेगमेंट वो एक ही लाइन पे है। पी आर एक ही लाइन पे है, पी आर क्यू एक ही लाइन पे है और पी क्यू एक ही लाइन में। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ पी आर इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पी आर, राइट। ये चीज हम लोग ले सकते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो स्लोप का डेफिनेशन निकाला था वो स्लोप स्लोप का डेफिनेशन था डिफरेंस रेशियो ऑफ डिफरेंस इन वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड एंड एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब जो स्लोप होता है किसी भी लाइन का डेट इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे कि स्लोप ऑफ पी आर, तो स्लोप ऑफ पी आर क्या हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन। तो यहाँ पे वाई टू क्या हो जाएगा वाई माइनस y1 वन डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स वन, राइट। एक्स वन ये x कोऑर्डिनेट हो गया। सिमिलरली दिस स्लोप मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ आर क्यू। आर क्यू का स्लोप क्या हो जाएगा वाई टू, ये हमारा है वाई टू, वाई टू माइनस वाई, वाई टू माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स, राइट, एक्स टू माइनस एक्स। और ये स्लोप किस पे है, ये स्लोप मस्ट, दिस स्लोप मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ पी क्यू। तो पी क्यू का स्लोप हम लोग क्या ले सकते हैं y2 टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, राइट। तो यहां से एक चीज देखिए कि अगर दो लाइन का स्लोप इक्वल है तो वो दोनों लाइन क्या हो जाएंगे, पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो पॉइंट है ये फर्स्ट लाइन और ये सेकेंड लाइन, ये दोनों क्या हो जाएगा पैरेलल, और ये सेकेंड और ये थर्ड लाइन भी पैरेलल होगा। बट ये तीनों पॉइंट जो है एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं क्योंकि तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो ये जो स्लोप का जो रिलेशन आया हुआ है वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पी क्यू के लिए है। तो यहाँ पे हम पेयर वाइज कोई भी एक्सप्रेशन उठा सकते हैं पेयर वाइज और उसे सॉल्व करेंगे तो हमें हमारा डिजायर रिजल्ट आ जाएगा। तो हम उठाते हैं ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो फॉर कन्वीनियंट हम लोग उठाते हैं फर्स्ट और थर्ड को। तो इक्वल करते हैं वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। फर्स्ट और थर्ड को इसलिए लिए क्योंकि थर्ड जो रेशियो है ये डायरेक्टली हमारा स्लोप दे देता है। तो यहाँ से इसे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगा डेट इज इक्वल टू
वाई टू माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, ये मल्टी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास जो रिलेशन आया वो रिलेशन किस किस में आ गया, दोनों कोऑर्डिनेट्स में एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू में, और जो वेरिएबल पॉइंट है एक्स वाई। इसका मतलब है कि कोई भी एक्स वाई इस पॉइंट पर लाई करेगा। तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो कि दो पॉइंट से पास कर रहा है। ध्यान देने की बात यहाँ पे ये है कि जो स्लोप है वो इस कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने इक्वल किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो पैरामीटर, चूंकि किसी भी स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन को निकालने के लिए हमें दो पैरामीटर की जरूरत होती है, तो यहाँ पे दो पैरामीटर क्या है। फर्स्ट पैरामीटर तो ये है कि ये फर्स्ट पी क्यू से पास कर रहा है, और दूसरा पैरामीटर क्या है पी से पास कर रहा है, और दूसरा पैरामीटर क्या है ये क्यू से पास कर रहा है। राइट, दो कंडीशन चाहिए, पैरामीटर नहीं दो कंडीशन चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे हमें मिल जाता है। तो इस तरह से हम इस इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है ये है टू पॉइंट फॉर्म पे बेस्ड एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन टू ए स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू ए पॉइंट 3, 4 एंड 5, 6। तो यहाँ पे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे और एक पॉइंट पी ले लेंगे। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग 3 और 4 एज्यूम कर लेंगे, और क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग एज्यूम कर लेंगे 5 एंड 6, क्योंकि दो पॉइंट दे रखा है। तो इसका इक्वेशन निकालना है। तो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था टू पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू टू पॉइंट। तो वो इक्वेशन क्या था, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ प्रीवियस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए दिया गया है, और ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, वाई वन की वैल्यू हम यहाँ पे ले लेंगे 4, और वाई टू की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस वाई वन इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई एक्स टू की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस एक्स वन की वैल्यू हो जाएगी 4, एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू हो गई 3। इसे हम सॉल्व करेंगे तो वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई यहाँ पे एक्स वन की वैल्यू हो जाएगी 3। तो 2 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स माइनस 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि y माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। जब इसे हम ट्रांसपोज करेंगे वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी समथिंग लाइक दिस, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 3। तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। दिस इज द डिजायर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो टू पॉइंट फॉर्म में का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया, और उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पे कर लिया। चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्म पे। नेक्स्ट फॉर्म है हमारा टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ए एंड बी फ्रॉम द एक्सिस। यहाँ पे एक्सिस में ये स्पेलिंग गलत है, इसे हम ठीक कर लेते हैं, ए एक्स आई एस एक्सिस। राइट, तो कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करना है जो कि इक्वल इंटरसेप्ट कर रहा है किस पे, एक्सिस पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा वैसे वैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को कट करेगा। मान लेते हैं कि ये लाइन एल है जो कि एक्स एक्सिस को पॉइंट ए पे कट कर रहा है, और चूंकि ए पे कट कर रहा है तो ओ ए का डिस्टेंस यहाँ पे एज पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये ए है। तो ए की कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं ए 0। राइट, सिमिलरली ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस को मान लेते हैं पॉइंट बी पे कोऑर्डिनेट कर रहा है, और चूंकि ये इंटरसेप्ट कर लेंथ हमारे पास बी है तो इसे हम बी का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं 0 बी। यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि जो इंटरसेप्ट है ये हम लोगों ने फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लिया है। ये इंटरसेप्ट फर्स्ट सेकेंड कोऑर्डिनेट में भी हो सकता है, थर्ड कोऑर्डिनेट में हो सकता है, या फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। डिपेंडिंग अपॉन द क्वाड्रेंट वी यूज द साइन, मींस यहाँ पे हम ए प्लस ले रहे हैं और बी भी प्लस ले रहे हैं। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो ए माइनस हो जाता है, बी प्लस हो जाता है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आता तो ए और बी दोनों माइनस हो जाता, और अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता तो ए माइनस हो जाता, ए प्लस हो जाता और बी माइनस हो जाता। ये एज पर द साइन ऑफ कन्वेंशन ऑफ क्वाड्रेंट इट इज प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस एंड प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्वेश्चन को लेके सॉल्व करेंगे। तो चूंकि ये इक्वेशन ऑफ लाइन दो पॉइंट से पास कर रहा है, किससे पास कर रहा है, ए जीरो से, जीरो बी से। तो अगर हम प्रीवियस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें इसमें कि इक्वेशन ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू टू पॉइंट इज वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, जो कि हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया। तो यहाँ से डायरेक्ट अगर हम वैल्यू डालते हैं वाई माइनस वाई वन, वाई वन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 इज इक्वल टू वाई टू, वाई टू इज बी माइनस वाई वन इज 0 डिवाइड बाई एक्स टू इज 0 माइनस एक्स वन इज
ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन इज ए। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक्स के ए की कोऑर्डिनेट और बी की कोऑर्डिनेट यहाँ पे हम लोगों ने पुट कर दिया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो वाई इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए इंटू एक्स माइनस ए। अब क्या करेंगे, इस बी को नीचे ले आएंगे वाई के नीचे, तो वाई ओवर बी इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस ए डिवाइड बाई ए। और अगर हम इसे इलेबोरेट कर दें, ओपन कर दें ब्रैकेट को, तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स बाई ए प्लस ए ओवर ए, ए और ए कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बन जाएगा वन। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं वाई ओवर वी इज इक्वल टू माइनस एक्स ओवर ए प्लस वन। और इस एक्स ओवर ए को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगा वो इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू वन। तो चूंकि ये रिलेशन हमारे इंटरसेप्ट के फॉर्म में आ गया तो ये हमारा डिजायर्ड इक्वेशन हो गया। ठीक है, अगर ये इंटरसेप्ट, मैंने पहले पहले भी डिस्कस किया है कि अगर ये इंटरसेप्ट दूसरे क्वाड्रेंट में आएगा तो अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन हम लोग ए और बी का साइन लेके इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, नेक्स्ट स्लाइड है इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासिंग थ्रू पॉइंट 3-4 एंड कटिंग ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट बट अपोजिट इन साइन फ्रॉम द टू एक्सिस। तो चूंकि यहाँ पे टू एक्सिस है तो अपोजिट साइड में कट कर रहा है, तो एक प्लस और एक माइनस होना चाहिए। तो देखिए ये प्लस प्लस है पहला और ये माइनस माइनस है, तो जो स्ट्रेट लाइन है वो अपोजिट साइन के अपोजिट साइन में कट कर रहा है इक्वल इंटरसेप्ट पे, तो एक स्ट्रेट लाइन तो फोर्थ क्वाड्रेंट से जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस साइन में आ जाएगा और ये माइनस माइनस में आ जाएगा, मतलब इसका क्वाड्रेंट ए जीरो हो जाएगा और इसका क्वाड्रेंट जीरो माइनस ए हो जाएगा। जो दूसरा लाइन होगा वो भी वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट मेरे पास जीरो ए आ सकता है और ये कोऑर्डिनेट जीरो सॉरी माइनस ए और जीरो आ जाएगा। तो हम किसी भी क्वाड्रेंट में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करते लेते हैं सबसे पहले हम सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए इंटरसेप्ट फॉर्म अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो एक्स ओवर माइनस ए प्लस वाई ओवर ए इज इक्वल टू वन। चूंकि ये इक्वल इंटरसेप्ट विथ अपोजिट साइन में कट कर रहा है तो ये हमारा इक्वेशन हो गया, स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया एक्स ओवर माइनस ए प्लस वाई ओवर ए इज इक्वल टू वन। चूंकि ये इक्वेशन, इस इक्वेशन पे लाइन पॉइंट कौन है, 3-4, मतलब 3-4 इस इक्वेशन से पास कर रहा है, तो एक्स और वैल्यू को यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है ए, ए की वैल्यू क्या होगी। तो उसे फाइंड करने के लिए ये पॉइंट चूंकि इस लाइन पे लाई कर रहा है तो इस पॉइंट को इस लाइन पर रखेंगे, तो एक्स की कोऑर्डिनेट की जगह हम लोग रख सकते हैं यहाँ पे थ्री ओवर माइनस ए, और वाई की जगह लिख सकते हैं हम वाई ओवर माइनस माइनस फोर ओवर ए इज इक्वल टू वन। वाई की जगह माइनस फोर हो गया, तो अब हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं माइनस थ्री ओवर ए माइनस वाई फोर ओवर यहाँ वाई नहीं फोर ओवर ए इज इक्वल टू वन, तो माइनस सेवन ओवर ए इज इक्वल टू वन। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू सेवन। तो फर्स्ट कंडीशन में जब स्ट्रेट लाइन सेकेंड क्वाड्रेंट में हो तो इक्वेशन हमारा क्या जाएगा, एक्स ओवर माइनस सेवन प्लस वाई ओवर सेवन इज इक्वल टू वन, या फिर माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस सेवन और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू सेवन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, राइट? एवरीथिंग इज क्लियर हियर, राइट? नाउ इट इज योर होमवर्क दैट यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर दिस सेम कंडीशन बट इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये आपका होमवर्क है कि जब ये एक्स की वाई की वैल्यू माइनस ए हो जाएगी और एक्स की वैल्यू ए हो जाएगी तो इक्वेशन क्या आएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे सारा दो फॉर्म हम लोगों ने डिस्कस कर लिया और उस पर बेस्ट एक एग्जाम्पल भी एलेबोरेट कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या है कि नॉर्मल फॉर्म में ये कहता है कि यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सच दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू टू द स्ट्रेट लाइन। देखिए ये एक्स और वाई एक्सिस है, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है मान लेते हैं लाइन एल, इसका इक्वेशन निकालना। कंडीशन क्या दिया रहेगा, कंडीशन ये है कि ओरिजिन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर, मतलब ये क्या हो गया 90 डिग्री, इसका लेंथ गिवन है पी और ये जो परपेंडिकुलर है, ये जो नॉर्मल है ये एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में एक एंगल कोई थीटा दिया रहेगा। मतलब यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन है, कंडीशन क्या है पी और कंडीशन क्या है थीटा। अब देखिए मान लेते हैं कि लाइन ये
ए बी है, और मान लेते हैं लाइन परपेंडिकुलर जो लाइन है वो ओ एम है। तो सबसे पहले ये देखिए कि ओ एम जो कि परपेंडिकुलर है वो किस पे परपेंडिकुलर है, लाइन ए बी पे। तो यहाँ पे हम एक कंडीशन लिखते हैं, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अब मान लेते हैं कि ए बी का स्लोप, स्लोप ए बी का, ए बी का स्लोप हम लोग मान लेते हैं कि क्या है, एम है, एम वन है, ठीक है। और ओ एम का स्लोप, यहाँ स्लोप लिख रहे हैं, स्लोप एम टू है। चूंकि ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो ओ एम स्लोप ऑफ ओ एम मल्टीप्लाई बाई स्लोप ऑफ ए बी एम वन मस्ट बी इक्वल टू माइनस वन। एनी प्रॉब्लम? मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्यों? क्योंकि अगर दो भी कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर होगा तो उसके स्लोप का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो माइनस वन के बराबर होगा। ये चीज हम लोग प्रीवियस क्लास में ड्राइव कर चुके हैं और डिस्कस भी कर चुके हैं। चलते हैं। अब चूंकि एम टू इज द स्लोप ऑफ ओ एम, तो यहाँ पे चूंकि ये एम टू ओ एम जो है एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रखा है, तो एम टू की वैल्यू यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि एम टू इज इक्वल टू 10 थीटा। यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम 10 थीटा एम टू की जगह रख दें, मल्टीप्लाई बाई एम वन कर देते हैं, यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस वन, तो यहाँ से एम वन इज इक्वल टू माइनस वन बाई 10 थीटा, और ये एम वन इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। इसका मतलब है कि जो स्लोप है ए बी का, ये मान लेते हैं जो अल्फा एंगल बना रहा है, तो 10 अल्फा इज इक्वल टू, 10 अल्फा इज इक्वल टू मान लेते हैं जो स्लोप है डेट इज माइनस कॉट थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे एम टू हम ले लेते हैं, एम टू इज माइनस कॉट, मतलब स्लोप हम लोगों ने निकाल लिया, जो डिजायर्ड लाइन है उसका स्लोप क्या होगा। अब यहाँ पे चूंकि हमें एक स्लोप मिल गया, अगर इस लाइन पे अगर कोई एक ऐसा पॉइंट जो कि इस पर लाई करता हो अगर वो मिल जाए, तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, हम नॉर्मल फॉर्म के क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तो देखिए, चूंकि ओ से एम पे परपेंडिकुलर ए बी पे डाला गया है, तो जो एम पॉइंट है ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एम इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो यहाँ से एम से हम एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, डेट इज एम एन। तो ट्रायंगल यहाँ से रफ में लेते हैं, ट्रायंगल ओ एम एन में हम लोग यहाँ कर सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डेट इज एम एन डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज डेट इज ओ एम। तो इसकी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं एम एन इज एम एन और ओ एन इज पी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि एम एन इज इक्वल टू पी साइन थीटा। सिमिलरली अगर हम ओ एन निकालना चाहें कॉस थीटा से, तो ओ एन इज इक्वल टू पी कॉस थीटा, आप इसे फाइंड आउट कर लीजिएगा। क्योंकि कॉस थीटा यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज डेट इज ओ एन डिवाइड बाई ओ एम, तो ओ एन इज इक्वल टू पी कॉस थीटा हो जाएगा। चूंकि ओ एन और एम एन पॉइंट है एम का, तो एम की कोऑर्डिनेट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि पी कॉस थीटा कॉमा पी साइन थीटा। तो एम का कोऑर्डिनेट भी यहाँ पे हमें मिल गया, ये सारा कुछ एक ही क्वेश्चन में छिपा हुआ था। अब हमारे पास, हम इसी चीज को ऐसे रीड करेंगे, वी हैव द स्लोप माइनस कॉट थीटा एंड वी हैव अ पॉइंट फ्रॉम विच दिस स्ट्रेट लाइन ए बी इज पास। तो इक्वेशन ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन विच इज पासेज विच हैज ए स्लोप एंड विच पासेज थ्रू ए गिवन पॉइंट इज वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन, ये हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। तो y माइनस वाई वन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे किस पॉइंट से पास कर रहा था, p साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे p साइन थीटा इज इक्वल टू m, m इज माइनस कॉट थीटा इन टू एक्स माइनस एक्स वन इज p cos थीटा। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हम ले लेते हैं y माइनस पी साइन थीटा डिवाइड बाई माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री आ गया इसमें, एक्स माइनस पी कॉस थीटा। अब इसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड नहीं लेते, यहीं पे ले लेते हैं। तो ये जो सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी वाई, नेक्स्ट स्लाइड ले ही लेते हैं, एक मिनट, न्यू स्लाइड, यहाँ से ले लेते हैं y माइनस पी साइन थीटा। इसे जब सॉल्व करेंगे तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो वैल्यू होगा हमारे पास, जो इक्वेशन आएगी डैट इक्वेशन इज x cos थीटा, x cos
थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी, दिस इज द इक्वेशन। तो यहाँ पे मैंने इसे सॉल्व नहीं किया है, आपको इसे होमवर्क में सॉल्व करना है, क्योंकि मैं नेक्स्ट स्लाइड ले रहा था बट मैं सोचा कि ये आपके होमवर्क के लिए डाल दूँ, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और कुछ एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, कुछ होमवर्क के लिए भी छोड़ देता हूँ, तो इससे ये आपका रिलेशन आ जाएगा। राइट, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये नॉर्मल फॉर्म में हो गया। यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म में दो चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज द परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम ओरिजिन टू द गिवन लाइन एंड द परपेंडिकुलर जो कि नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, वो दोनों चीज इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच हैज ए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर सेगमेंट फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन एज 4 एंड इंक्लिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर सेगमेंट विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज 45 डिग्री। तो ये प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट है उसी को डिस्कस कर रहा है इस क्वेश्चन में। ये कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन लेना है, यू हैव टू फाइंड द स्ट्रेट लाइन। मान लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन है, इस ओरिजिन से परपेंडिकुलर लेंथ कितना है 4 और जो एंगल बना रहा है ये कितना बना रहा है 45 डिग्री। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था एंगल, द इक्वेशन इज एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, जो कि अभी स्टैंडर्ड फॉर्म था हमारे पास। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं एक्स के जगह एक्स कॉस थीटा इज कॉस 45 डिग्री प्लस वाई साइन थीटा साइन 45 डिग्री, परपेंडिकुलर इज 4। तो एक्स इंटू कॉस 45 इज रूट 2 प्लस वाई डिवाइड बाई साइन 45 इज रूट 2 इज इक्वल टू 4। देन द डिजायर्ड इक्वेशन इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 रूट 2। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम मैंने यहाँ पे दिया था। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आप टेक्स्ट बुक से भी ले सकते हैं और उसे सॉल्व कर सकते हैं। एक और फॉर्म बच गया हमारे पास, सिमेट्रिक फॉर्म। चलिए इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। सिमेट्रिक फॉर्म क्या होता है? सिमेट्रिक फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, सिमेट्रिक फॉर्म में क्या करेंगे, तो मान लेते हैं कि एक्स और वाई एक एक्सिस, एक्स वाई एक्सिस से एक लाइन है जो कि इस तरह से पास कर रहा है, मान लेते हैं जो कि एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, इस पे एक कोई पॉइंट पी ले लेते हैं जो कि इस पे लाई कर रहा है। राइट, पी एक्स वन वाई वन, कोई पॉइंट पी लाई कर रहा है जो कि फिक्स पॉइंट जो कि लाई कर रहा है, और एक वेरिएबल पॉइंट हम लोग ले लेते हैं पी एक्स वाई, पी एक्स वाई, पी एक्स वाई जो कि वेरिएबल पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे कि हमें रिलेशन निकालना एक्स में एक्स वन वाई वन, एक्स एक्स में एक्स वन वाई वन एंड थीटा में, जो ये रिलेशन निकल जाएगा तो जो इक्वेशन आएगा उसे हम सिमेट्रिक फॉर्म कहेंगे। इसका जो फॉर्म होता है अभी अभी आपको पता चल जाएगा कि सिमेट्रिक फॉर्म क्यों कहते हैं। तो अब क्या करते हैं कि हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं कि ये पी है और ये मान लेते हैं कि एम है। ठीक है, तो पी से परपेंडिकुलर हम लोगों ने एक्स पे डाला, राइट, एंड फिर एम से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे डाला, और पी से परपेंडिकुलर ये मान लेते हैं एम एन है और ये पी क्यू है, ये दिस इज आवर ओरिजिन, और पी से एक परपेंडिकुलर हम लोगों ने एन एम एन पे डाला। क्लियर, अब इस चीज़ में देखिए ये चूंकि ये दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो जो ये एंगल होगा ये हमारा क्या होगा थीटा। राइट, तो यहाँ से हम क्यू एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यू एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है डेट इज वाई, और यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है डेट इज सॉरी ये एक्स है और ये एक्स वन है। राइट, तो यहाँ से क्यू एन की वैल्यू हो जाएगी क्या, एक्स माइनस एक्स वन। तो क्यू एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, एक्स माइनस एक्स वन। राइट, सिमिलरली अगर हम ये परपेंडिकुलर पी आर डालें तो एम एन की वैल्यू अगर हमें निकालना होगा तो एम एन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है डेट इज वाई, और आर से जो एक्स एक्स पी जो वैल्यू है वो है वाई वन। तो ये वैल्यू जो है यहाँ से एम आर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास वाई माइनस वाई वन। राइट, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि एम आर इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन एंड पी आर इज इक्वल टू क्यू एन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन। अब यहाँ पे हमें रिलेशन लिखना है, एक साइन थीटा ले लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। राइट, हाइपोटेन्यूज एच ले लेते हैं, यहाँ पे पी क्यू के बीच का जो डिस्टेंस है इसे मान लेते हैं ये आर, ये गिवन रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, आर है। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, चूंकि यहाँ पे आर गिवन रहेगा क्वेश्चन में, तो यहाँ पे एक और चीज आ जाएगा आर, साइन थीटा इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर वाई माइनस वाई वन डिवाइड बाई आर, राइट। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू आर साइन थीटा, या फिर वाई इज इक्वल टू वाई वन प्लस आर साइन थीटा, ठीक है। तो अगर हमें वाई वन पता है, एंगल पता है और कितने डिस्टेंस पे, तो उस वेरिएबल पॉइंट को हम निकाल सकते हैं। सिमिलरली कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज बेस, बेस इज क्यू एन, दैट इज एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज दैट इज आर। तो यहां से हम साइन थीटा का जो फॉर्म में ये चीज आया और कॉस थीटा के फॉर्म में जो ये चीज है, इसी को हम सिमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। सिमेट्रिसिटी इसमें इंपॉर्टेंट है कि पॉइंट कौन सा है, एंगल कितना है और आर कितने डिस्टेंस पे। तो इस इक्वेशन को कॉस थीटा को हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स वन प्लस आर कॉस थीटा, ठीक है। तो ये चीज हमारा इसी फॉर्म को, इसी इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये सिमेट्रिक फॉर्म हमारा समझ में आ गया। तो आई होप दिस क्लास इज वेरी यूजफुल फॉर यू, ठीक है। तो आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया जनरल फॉर्म को छोड़ के, बाकी सभी फॉर्म को। जनरल फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो उसके इसके बारे में, और जनरल फॉर्म पे बेस्ड जो थ्योरी है वो चीज़, और जो भी हम लोगों ने सिमेट्रिक फॉर्म या फिर नॉर्मल फॉर्म जितने भी फॉर्म हम लोगों ने डिस्कस किया उस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपके लिए ये होमवर्क है कि आप ये सारे फॉर्म को अच्छे से खुद से प्रैक्टिस कीजिए और जितना भी हो सके आप टेक्स्ट बुक को फॉलो कीजिए, राइट। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे। जय हिंद।